आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। घाटकोपर में आज यानी शुक्रवार 21 अप्रैल को एनसीपी कार्यकर्ताओं की बैठक है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता में पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी संबोधित करेंगे, लेकिन एनसीपी के नेताओं की लिस्ट से अजीत पवार का नाम गायब है, जो चर्चा का विषय बन गया है। एनसीपी की ओर से बताया गया है कि जिस वक्त शिविर चल रहा होगा उस वक्त अजीत पवार की पिंपरी चिंचवड में एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, इसलिए अजीत पवार शिविर में नहीं रहेंगे। हालांकि अजीत पवार के समर्थक बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी नजर है। बैठक महाराष्ट्र एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की अध्यक्षता में होगी। बैठक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। शिविर में सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद सुनील तटकरे, पूर्व मंत्री जितेंद्र आवार समेत अन्य नेता शामिल होंगे। पार्टी के अनुसार मुंबई मंडल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2000 से अधिक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन और आगामी मुंबई नगर पालिका चुनाव की तैयारी के मुद्दे होंगे। साथ ही महाराष्ट्र की मौजूदा अस्थिर राजनीतिक स्थिति, महिलाओं की असुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, उद्योगों का विदेशों में जाना, महापुरुषों का अपमान, वोट बैंक पाने के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ आदि मुद्दे होंगे। अजीत पवार ने राज्यपाल से की न्यायिक जांच की मांग। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान हुए हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इसकी जांच करेंगे और एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। इधर विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता अजीत पवार ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर खारघर हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया था, लेकिन उसका खर्च दिखाया नहीं गया, इस बात की जांच होनी चाहिए। उधर सेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि इस हादसे में 50 से 75 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मरने वालों के आंकड़े छिपा रही है। दो घंटे हुई पवार और अडानी के बीच बातचीत। उद्योगपति गौतम अडानी गुरुवार को सुबह एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने दक्षिण मुंबई स्थित उनके निवास सिल्वर ओक पहुंचे। निजी भेंट में दोनों के बीच दो घंटे बातचीत होने की खबर है, मगर इसके कोई ब्यौरा रात तक सामने नहीं आया है। हालांकि राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों में इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।